जादूगर के बादशाह राहुल खरबंदा जी एक जनरेशन है, देख के ऐसा महसूस होता है कि साढ़े देश के नौजवानों भी इस कला दे विच आ जाना चाहिए। इन्हां दे पिता जी जो नैशनल अवार्ड दे विच कई बार प्राप्त कर चुके और कई बार उन्होंने समाजिक सेवा करता भी बहुत बड़े बड़े किए। तो अज असी गल करते हैं राहुल सर के साथ जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। राहुल साहब तुहाडा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। राहुल साहब असी जानना चाहते कि तुहाडे पिता जी का इन्ना बड़ा नाम सी, क्या उस चीज़ नूं देख के तुसी इस लाइन च आए? जी एक इंस्पिरेशन तो ज़रूर थी, बचपन से उनको देख रहा था जादू करते हुए, मगर साथ साथ देखिए हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो ये उनकी उनका जैसे उनको इतना नाम मिला, इतनी शोहरत मिली, वो तो मैं देख ही रहा था साथ, मगर उस दौर का हर एक चीज़, हर एक आर्ट का एक दौर आता है, तो वो दौर जो था मैजिक का, वो मैं ये कहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग थी जो मुझे पर्सनली लगा। मुझे मिसिंग वो लगा कि आर्टिस्ट की कला की तो जब तक वो देख रहे हैं उनकी आर्ट तब तक तो बहुत वाहवाही है, मगर उसके बाद एज एन आर्टिस्ट स्कोप कुछ था नहीं उस दौर में, क्योंकि जो स्कोप था स्कोप के नाम पे सिर्फ जो ऐसे शोज़ होते थे जो कि पब्लिक शोज़ हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गई या कोई कोई किसी के घर की गैदरिंग हो गई, इससे ज़्यादा कोई किस कुछ सोचता ही नहीं था, या गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत लिमिटेड कोई रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं थे। अब एक आर्टिस्ट है जो फुल टाइम आर्टिस्ट बनना चाहेगा कि आर्ट की तरफ डिवोट तभी हो सकते हैं जब आप अपना फुल टाइम दे दोगे उसमें, अगर हम कोई और काम करूँगा साथ में आर्ट करूँगा तो वो उतनी अच्छी तरह नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा वो भी वैसे वो भी लोग करते हैं, तो उस दौर में वो चीज़ की कमी थी। मुझे बचपन में ऐसा लगा अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा एज अ करियर तो मुझे कुछ और मौके या कुछ इंटरेस्टिंग मौके चाहिए। आपके पिताजी ने एक ऐसी जगह के उत्ते एक साइकिल चलाया है जिसकी ऊंचाई इतनी सी जिस चीज से इनकी शरीर है, ये कैसे कर पाए? ये आप विश्वास मानिए मैं इनके साथ उस टावर पे चढ़ा था जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था पॉइंट, और वहाँ तक पहुँचने से पहले इतने लोगों ने जो करवा रहे जो उन्होंने वो पूरा कैंप लगाया हुआ था, इतने लोगों ने एज कंफर्म करने के बाद इधर उधर फ़ोन करे कि जी करना चाहिए नहीं, मतलब उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 65 ही अभी तक अटेम्प्ट करा था किसी ने, 65 जो पेपर में लिखा हुआ था कि जी ये 65 से तक की उम्र के ही लोगों को करना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि जी मेडिकल कंडीशन तो कोई नहीं है? हमने कहा जी नहीं जी, ऐसा तो भगवान की कृपा से कुछ सब ठीक ही है। तो क्योंकि डेयर डेविल होना, और मुझे लगता है हर उम्र में ना इंसान को थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए और डेयर डेविल एक होता है ना, बोल्डनेस होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदा दिल इंसान तभी बन पाता है जब अंदर से वो ज़िंदा दिल हो। वेरी गुड। तो पहले अंदर से ज़िंदा दिल होंगे फिर हम बाहर ही कुछ किसी को दिखाएंगे या कुछ प्रेजेंट कर पाएंगे, तो फील करना बहुत बड़ी बात है। तो इनका मुझे लगता है अगर वो टावर पे चढ़ के इनको ना भी करने देते ना तब भी इनकी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी ना जितने हर्डल्स आए थे, बट लकीली वो अच्छा रहा बहुत, और पहली बार तो उन्हें भी थोड़ा टफ लगा था, बट हाँ इट वाज अ स्टंट था एक, तो बहुत इंटरेस्टिंग था और इस एज में करना एक कमेंडेबल बात है। राहुल क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी आज के युग दे विच एक जंगमैन की तरह अभी भी पॉपुलर काम करते? आर्टिस्ट की एक आदत होती है वो बैठता नहीं है कभी भी, चुप अच्छा। कर गए तो आर्टिस्ट जब जैसे आज मुझे आज मैं मेरी उम्र 41-42 साल का हो गया, मुझे बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ लगातार दौड़ते हुए भागते हुए, मतलब काम मैजिक तब से मैं मैजिक ही सुन रहा हूँ इनसे। अच्छा। तो 40-41 साल मुझे हो गए सुनते हुए, अब आप अंदाज़ा जब उससे पहले भी ये कर ही रहे थे तो जब इतना बड़ा दौर होता है, ये ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स हो गए जी, 50 साल बहुत बड़ा टाइम है किसी आर्टिस्ट के लिए, तो वो अब एक आदत है, तो इस आदत से मुझे ऐसा लगता है कि निकलना मुश्किल है और निकलना भी नहीं चाहिए, तो क्योंकि ये जहाँ तक आप अपनी उम्र में ले जाएं उतना ही, क्योंकि ये आर्ट ही है जो एक्चुअली आपको अंदर से ज़िंदा रखती है। हर एक का अपना अपना एक पैशन होता है, जीने का एक मकसद होता है, एक रीज़न होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ एक माइंड को भी जो चीज़ चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है मैजिक इनके लिए वो माइंड, इनके लिए एक माइंड पावर है। जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिले हैं, आपके पिता को भी मिले हैं, मन में खुशी तो बहुत होती होगी? जी जी बहुत अच्छा लगता है जब रिकॉग्नाइज़ किया जाता है आपकी आर्ट को, आप खुद को आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो ये फाइनेंशियली पैसों के अलावा फ़ीस के अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं हर आर्टिस्ट के लिए। अब हम चाहे अप्लॉज हों, ऑडियंस की तालियां हों, उनका प्यार हो, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअली में एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि यही एक चीज़ है जो सेटिस्फाइंग लगती है और जिससे लगता है कि अगली बार कोई और मौका मिले और दोबारा आए शो करने। नौजवानों को क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में?
देखिए आज के नौजवान तो पहले ही बहुत ही हर चीज़ में ही मैंने देखा है कि हर चीज़ में वो जिसे कहते हैं कि उत्सुक हैं हर चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो मैजिक में भी मैंने देखा है कुछ जो आजकल यंगस्टर्स आ रहे हैं उनका एक अपना फ्लेवर है, एक अपने कलर्स हैं, क्योंकि हर जनरेशन अपने कलर्स ऐड करती है, उनके पास एक अपनी स्पेशलिटी होती है, या चाहे उसे हम जो यंग जनरेशन की जो फास्टनेस है, जो प्रॉम्प्टनेस है, वो हर एक जनरेशन अपना लेके आती है, आजकल की जनरेशन भी ला रही है। बट हाँ, प्लस के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो यंग टाइम में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं आज ही सब कुछ कर दूंगा, मेरे मतलब जब मैंने तीन चीज़ें कर ली तो मुझे लगता था मेरे से बड़ा शायद कोई नहीं है। तो ये माइंड थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि सिर को कंधे पे रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो डाउन टू अर्थ रह के अगर आई थिंक सब करें तो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है। राहुल साढ़े टीवी ना गलबात कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत। ये सन राहुल खरबंदा जी जिन्होंने अपने पिता को बचपन तो इस गेम में अपने अखी देखते हैं अब जवान हो गए हैं और पूरे वर्ल्ड दे विच इनका नाम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर या तो ऊपर भी हो सकता है। लो खूब मार रही है आपको। ओके, इसको थोड़ा हाइट पे लाओ, ऊपर लाओ, इसे ऊपर लाओ। हाँ, ओके, आप सब एक एक लेना, ठीक है, एक एक, और जो लेता जाएगा वापस जाता जाएगा, एक एक लेना। मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक एक एक, ठीक है, और मेरे वहाँ पे नहीं जाओ। तो जैसा मैंने बताया कि मैं डिजिटल मैजिक, मेरा फोटे है, तो वही मैजिक मैं आपको डिजिटल मैजिक दिखाऊंगा अपने इस टैबलेट पे। उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्टार्ट कर लूं, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हो सकता है, और बड़ी खुशी की बात है कि आपके बेटे भी आपकी ही लाइन पे बड़े परफेक्ट हो चुके हो, पूरे नाम दुनिया में कमा चुके हो। की कहना चाहते हो तुम आने वाले नौजवानों और अपने बेटे वाले? 14 नवंबर को जब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में आरंभ हुआ, तो पहले दिन जो है ना इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन के बाद ही मेरा कल्चर प्रोग्राम जो है ना यहाँ रखा गया। अच्छा, पहले दिन ही। और आज जो है ना 22 तारीख को हमारे बेटे राहुल खरबंदा का कल्चर प्रोग्राम MP2 थिएटर में रखा गया। आपने देखा कितनी भीड़ थी, है ना, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। तो कल्चर प्रोग्राम जो है ना ये ज़रूरी है हर एक के लिए भी, हमारे सेहत के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए भी। तो ये जब भी लोग जो है थक के ये घूम फिर के मेला देखते हैं तो यहाँ पर आके विश्राम करते हैं और कल्चर प्रोग्राम से उनकी आधी तो थकावट वैसे ही दूर हो जाती है। तो हमारे बेटे ने डिजिटल मैजिक शुरू करा है। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो उसने डिजिटल मैजिक शुरू कर दिया, मैजिक से हटके खाली लैपटॉप और मोबाइल से मैजिक करता है, और वो इतना पॉपुलर है कि सारा वर्ल्ड घूम रहा है, विदेश घूम रहा है और सारे देशों में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जसदा टीवी ना गलबात कर दें। धन्यवाद जी, और हम ये चाहेंगे कि आप जो है ना इसी प्रकार जो है ना मीडिया हमारे साथ रहे, और जब भी कार्यक्रमों अब हमें मौका मिले तो हम ज़रूर आपको साथ लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। ये सन राहुल का ले लें अशोक खरबंदा जी जिन्होंने सच्ची लगन नाल इन्ना कुछ प्राप्त करने तो बाद भी अपने बच्चों भी इसी लाइन के लाया, और ये बहुत बड़ी गल है कि नौजवानों ने भी किया है कि तुम भी इस लाइन के आओ, लेकिन इसमें जादूगरी बहुत घट है, हाथ की सफाई ज़्यादा है। मेरे साथ ज्ञान, मैं हुशनेक सिंह पिंका दिल्ली तो।
है।